हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूपीज किचन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज रूपीज किचन में बनने वाला है चिकन कीमा पराठा। ये रेसिपी काफी इंटरेस्टिंग और काफी टेस्टी होती है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि चिकन कीमा पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चिकन कीमा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन कीमा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करीब चिकन कीमा लिया है। और हमें चाहिए धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ गार्लिक, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, बारीक कटे हुए टमाटर। और गरम मसालों में हम डालेंगे जावित्री और बड़ी इलायची। और चाहिए हमें बेसिक मसाले। आइए चिकन कीमा पराठा बनाते हैं। अब हम चिकन कीमा मसाला बनाएंगे तो हमें एक पैन में डालना है तेल। तेल को गरम होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाले। गरम मसालों में हम डालेंगे बड़ी इलायची और जावित्री और साथ में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक और अच्छे से इसे भून लेंगे। और जो हमने इसमें जावित्री और काली इलायची डाली है, जब कीमा मसाला बन जाएगा उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें इतना ही ब्राउन करने तक फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर और साथ में ही डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच करीब इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसालों में हम डालेंगे पहले इसमें आधा चम्मच करीब नमक और एक चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी और एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हमें इसमें से जो गरम मसाले हैं वो निकाल लेंगे हम। बस अब इसमें डाल देंगे हम चिकन कीमा। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। चिकन कीमा को हम लो फ्लेम में धीरे धीरे करके पकाएंगे। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम में पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। ढक्कन लगा लेते हैं और लो फ्लेम में इसे पकने देते हैं। चिकन कीमा को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है, हिलाते रहना है। अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। अभी उतना अच्छे से पका नहीं है चिकन, थोड़ी देर और इसे पकाना है। 10 मिनट और पकाएंगे। ऑलमोस्ट इसे 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब देख लेते हैं ये कितना पक गया है। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। हमारा चिकन कीमा रेडी है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारा चिकन कीमा जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम चिकन कीमा पराठा भी बनाएंगे। थोड़ा सा बेल लेते हैं इसको, थोड़ा सा आटा लगाएंगे और फिर इसमें चिकन कीमा मसाला स्टफ करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। बस इसे बेल लिया है। अब इसे रख देंगे हम तवे में। एक साइड से सिकने के बाद इसे पलट लेंगे और अब इसमें लगा देंगे ऑयल। दूसरे साइड से भी हम ऑयल लगा लेंगे।
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसी तरीके से मटन कीमा पराठा भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा चिकन कीमा पराठा रेडी है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए हमारा चिकन कीमा पराठा रेडी है। और आप इस तरीके से चिकन कीमा पराठा बनाएं और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका चिकन कीमा पराठा कैसा बना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।